नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। दांग के बबई में जीप दुर्घटना भइला बाद एक जने के मृत्यु, 16 जने घायल। गंभीर घायल 3 जने के काठमांडू लियावल जा रहल। देश भर मनावल जाय वाला लोक आस्था के महापर्व छठ आज से विधिवत शुरू। पबनी के आज पहल का दिन नहाए खाए विधि कल जा रहल। जनकपुर धाम में ई रिक्शा के अत्यधिक चाप के चलते पार्किंग के समस्या। रूट परमिट बिना गाड़ी चलौला से दुर्घटना के जोखिम बढ़ल। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में प्रहरी जवान से अपने साथी ऊपर गोली चलौला बाद 4 जने के मृत्यु, 3 जने घायल। और आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेट के सेमीफाइनल समीकरण पूरा। फाइनल पुगेला 4 टीम के बीच भिड़ंत मुखी। आपूरा समाचार। दांग के बबई में जीप दुर्घटना भइला बाद एक जने के मृत्यु भइल बा, 16 जने घायल भइल बाटे। लोग मृत्यु होखे वाला में सल्यान के कालीमाटी गांवपालिका वार्ड नंबर 3 के अंदाजे 40 बरिस के देव बहादुर सुनार रहल प्रहरी जनौले बाटे। सल्यान के कालीमाटी से दांग के बबई गांवपालिका तरफ जा रहल भी एक जा 5 से 22 नंबर के जीप दुर्घटना में पड़ल हा। इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर के प्रमुख DSP श्यामू अरियाल के मुताबिक घायल 3 जने की अवस्था गंभीर बाटे। दांग के बबई गांवपालिका 3 ठाड़ो खुला में आज सवेरे जीप दुर्घटना भइल और ये ड्राइवर फरार रहल। जिला प्रहरी कार्यालय दांग जनौले बा सामान्य घायल भइल सबके तुलसीपुर में इलाज चल रहल बा। गंभीर घायल 3 जने के हेलीकॉप्टर मार्फत काठमांडू लियावे के तैयारी हो रहल प्रहरी जानकारी देले बा। देश भर मनावल जाय वाला लोक आस्था के महापर्व छठ आज से विधिवत शुरू भइल बा। निष्ठापूर्वक 4 दिन तक मनावल जाय वाला छठ पवनी के आज पहिल का दिन नहाय खाय विधि से शुरू भइल बा। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन से शुरू भइल छठ के पहिल का दिन के नहाय खाय कहल जाला। आज सर सफाई करके नहा के शुद्ध भोजन ग्रहण करे के साथ ही एक समय ही भोजन करे के चलन बाटे। व्रतालु सब आजू से सप्तमी तक मांस मछली लसुन प्याज मड़ुआ के भोजन ना करेला लोग। छठ में खास करके प्रकृति के छठा अंश से उत्पन्न भइल भगवती देवी छठी माई के पूजा आराधना कैल जाला। देवी भागवत में छठी देवी पुत्र ना भइल के पुत्र, पत्नी ना भइल के पत्नी, धन ना भइल के धन प्रदान कैल कथा उल्लेख कैल गेल बा। छठ पवनी के एगो कठिन व्रत और उपवास के रूप में देखल जाला। ये पवनी तराई मध्य सहित पिछला समय काठमांडू पत्रिका लगायत पहाड़ी क्षेत्र में भी मनावल जाला। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी से शुरू भइल ये पवनी कार्तिक शुक्ल सप्तमी के दिन उगत सूरज के अर्घ दे के छठ पवनी के व्रत समापन होखेला। सर्वोच्च अदालत में आज खातिर 6 गो इजलास में 7 मुद्दा के पेशी तय कल गेल बा। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा 2 गो एकल इजलास और 4 संयुक्त इजलास तय कैले बानी। पेशी तोकल सभी मुद्दा बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित रहल सर्वोच्च अदालत जानकारी देले बा। प्रधान न्यायाधीश जबरा आज खातिर आपन समेत इजलास तोकले बानी। प्रधान न्यायाधीश के राजीनामा मांग करत न्यायाधीश सभी मार्ग प्रशस्त करेला आग्रह करते आयल बा, लेकिन प्रधान न्यायाधीश जबरा राजीनामा ना देवे के अड़ान लेले बानी। संवैधानिक व्यवस्था मुताबिक प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भइल कहत राजीनामा ना देवे के जबरा के अड़ान बाटे। जबरा के राजीनामा मांग करत आंदोलन में उतरल नेपाल बार एसोसिएशन आजुओ करियापट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन कैले बा। भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। बागमती प्रदेश के प्रदेश सभा बैठक आज बैठ रहल बा। दोपहर 3 बजे बैठक के कहल प्रदेश सभा बैठक में नवनियुक्त मुख्यमंत्री राजेंद्र प्रसाद पांडे से विश्वास के मत लेबे के कार्यक्रम बाटे। नेकपा एकीकृत समाजवादी के संसदीय दल के नेता समेत रहल पांडे बीतल कार्तिक 11 गते गठबंधन के तरफ से नेपाल के संविधान के धारा 168 के उपधारा 2 मुताबिक मुख्यमंत्री में नियुक्त भइल रहने।
मुख्यमंत्री पांडे के विश्वास के मत संबंधी प्रस्ताव कार्तिक 14 गते ही प्रदेश सभा सचिवालय में दर्ता हो चुकल बा। पांडे के विश्वास के मत संबंधी प्रस्ताव पर आज बैठे वाला प्रदेश सभा बैठक में छलफल होके के कार्यसूची रहल बतावल गेल बा। पांडे के निकपा माओवादी केंद्र नेपाली कांग्रेस औरी जसपा के समर्थन बाटे। प्रदेश नंबर 2 के राजधानी जनकपुर धाम में ई रिक्शा के अत्यधिक चाप के चलते पार्किंग के समस्या बढ़ते जा रहल बा। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका ई रिक्शा व्यवस्थापन करे खातिर ध्यान ना दिहल कारण नगर क्षेत्र ही अस्त व्यस्त बनल बा। नगर में दर्ता ना कल रिक्शा भी संचालन हो रहल स्थानीय सबके आरोप बाटे। नगर में अत्यधिक ई रिक्शा चलल कारण कुछ ठाव में घंटों तक जाम लागेला। खास करके रामचंद्र चौक और बस पार्क क्षेत्र में सर्वसाधारण के बहुते समस्या हो रहल बा। नगर क्षेत्र में चल रहल ई रिक्शा के भाड़ा भी नइखे तय कल गेल, उ सब मनचाहा भाड़ा वसूली कर रहल बा। यो रिक्शा को पार्किंग छैन, अहिले पार्किंग न भएपछि रिक्शा जहीँ तहीँ रोके हुन्छ। अब रिक्शा पनि आज भोलि धेरै भइसक्यो, अनि हजुरको बस आउँदाखेरि स्पिडमा रिक्सा ल्याएर बसबाट पेसेन्जर लिन खोज्छ, बाहिर निस्किने ठाउँ हुँदैन बसबाट, मान्छे वर्ड लिन पाए लाई बाहिर निस्किनलाई। अब सबै त रिक्सैमा बस्दैन, कोही त बाहिर निस्केर हिँडेर पनि जाने हुन्छन्। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका ई रिक्शा पार्किंग के व्यवस्थापन लगायत के काम करे लागल समय कोनो न कोनो पबनी अइला के चलते समस्या पैदा भल दावी कैले बा। छठ के बाद पार्किंग और भाड़ा लगायत के व्यवस्थापन खातिर सर्वपक्षीय छलफल करके आगे बढ़े के उपमहानगर के तैयारी बाटे। तर जब सब हम शुरू कर बीच में फिर पर्व आईहाल अलग हमें फुटपाथ क्लियर कराई रखे थी हमीर को नगर प्रहरी तेरे हम जिला प्रहरी सशस्त्र ट्राफिक प्रहरी सबजा मिलेर हमने ट्राफिक को व्यवस्था को एकदम रामसंग फुटपाथ क्लियर कर बेला में फिर चाड़पड़ आयो, फिर फुटपाथ में उन्नी बेचबिखन करना था। तर अब चाँड न चाँड हमीर इसको व्यवस्थापन में लागे। पिछला समय बिना कोनो मापदंड नगर क्षेत्र में बढ़ते गए ई रिक्शा के कारण जनकपुर के आवागमन भी असहज बनते जा रहल बा। तेज गति में रिक्शा चला रहल और जथाबाबी जहां मन कैलक उहबे रोकल कारण से दुर्घटना के जोखिम भी बढ़ रहल बा। केंद्रीय तथ्यांक विभाग द्वारा हर एक नागरिक के घर घर में पुगे किस्म से राष्ट्रीय जनगणना 2078 के तैयारी पूरा भल बा। यह कार्तिक 25 गति से आबे वाला घन 9 गति तक होखे वाला गणना खातिर 40,000 गणक और 8,000 सूर्यजने सुपरिवेक्षक के तालीम देहल गेल बा। सामाजिक आर्थिक भौगोलिक भौतिक पूर्वाधार और अन्य पक्ष समेटे वाला गणना खातिर केंद्र से वार्ड स्तर तक समन्वय संरचना तैयार कल गेल बा। इ बार घर तथा घर परिवार लगत सूचीकरण खातिर 25 मुख्य 55 और पहलका बार सामुदायिक प्रश्नावली सहित 80 को प्रश्न समावेश कल गेल बा। विभाग से घर तथा घर परिवार लगत सूचीकरण कार्य सम्पन्न कल गेल बा। एक गणक से करीब 150 घर तक पुगे पड़े के दायित्व देहल विभाग जनौले बा। राष्ट्रीय योजना आयोग माथत के ओ विभाग के महानिर्देशक निबिन लाल श्रेष्ठ संविधान में विभिन्न जात भाषा लिंग धर्म वर्ग क्षेत्र अपांगता भय लगायत सभी पक्ष के अधिकार सुनिश्चित कैला से जनगणना द्वारा उही किस्म के तथ्यांक लियावे खातिर तैयारी पूरा भय जानकारी देहनी। अब आर्थिक समाचार। देश में इंटरनेट के विस्तार बढ़ते गेला बाद सेवा प्रदायक की संख्या में भी उल्लेख्य वृद्धि भइल बा। नेपाल में इंटरनेट सेवा उपलब्ध करावे के कह के अनुमति लेवे वाला कंपनी की संख्या 133 पुगल बा। नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण से अभी तक अनुमति लेवे वाला इंटरनेट सेवा प्रदायक की संख्या 133 पुगल बा। पिछला 6 महीना में ही 6 कंपनी से अनुमति पत्र लेहल गेल बा। बैसाख से इन्हें अनुमति लेवे वाला इंटरनेट सेवा प्रदायक सब में खपतड़ नेट, स्विफ्ट नेट एंड कम्युनिकेशन, डिजिलिंक नेटवर्क, यूनिट नेटवर्क्स, इनोवेशन कम्युनिकेशन सिस्टम और आईटेल नेटवर्क बाटे। 133 को इंटरनेट सेवा दिहम कहत अनुमति पत्र लेहला पर भी अभी तक 44 को मात्र संचालन में आयल बा।
कोरोना भाइरस संक्रमण फैलासँगै अनलाइनमै आधारित काम अनलाइन कक्षा सञ्चालनके कारण इन्टरनेटके मागमै वृद्धि भएसँगै नयाँ कम्पनी थपेके क्रम भी बढल बाटे। भोजपुरी समाचारमै फेर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में एक प्रहरी द्वारा अपने साथी सब ऊपर गोली चलौला बाद चार जने के मृत्यु भेल बा। गोली प्रहार से तीन जने घायल भेल बाटे। लोग हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक सिकमा जिला स्थित सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कैंप में आज सवेरे 3:30 बजे करीब AK-47 राइफल से चलावल गोली लाके चार जने के मृत्यु भेल हा। अपने साथी ऊपर गोली प्रहार करे वाला रितेश रंजन के नियंत्रण में लिहला पर भी काहे गोली चलावल गेल कहे के बारे में कोनो कारण नहीं खुल सकल। मारल गेल सभे CRPF के 50वां बटालियन के सिपाही रहल बतावल गेल बा। आप खेलकूद समाचार। ICC T20 विश्व कप क्रिकेट के सेमीफाइनल समीकरण पूरा भेल बा। फाइनल पुगे खातिर पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के न्यूजीलैंड के सामना करे के पड़ी। सुपर 12 के समूह एक से इंग्लैंड विजेता और ऑस्ट्रेलिया उपविजेता बनत सेमीफाइनल पुगल हा। समूह दो से पाकिस्तान विजेता और न्यूजीलैंड उपविजेता बनल बा। सुपर 12 में पाकिस्तान 5 खेल जीत चुकल बा। न्यूजीलैंड इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया 5 में 4 खेल जीतल बा। विश्वकप के सेमीफाइनल November 10 और 11 में होगी तो फाइनल खेल November 14 में होगी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बार। डांग के बबई में जीप दुर्घटना भैला बाद एक जने के मृत्यु 16 जने घायल। गंभीर घायल 3 जने के काठमांडू लियावल जा रहा। देश भर मनावल जाए वाला लोक आस्था के महापर्व छठ आज से विधिवत शुरू। पबनी के आज पहिका दिन नहाए खाए। जनकपुर धाम में ई रिक्शा के अत्यधिक चाप के चलते पार्किंग के समस्या। रूट परमिट बिना गाड़ी चलौला कारण दुर्घटना के जोखिम बढ़ल। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में प्रहरी जवान से अपने साथी सब पर गोली चलौला बाद 4 जने की मृत्यु 3 जने घायल। और ICC T20 विश्व कप क्रिकेट के सेमीफाइनल समीकरण पूरा। फाइनल पुगिला 4 टीम के बीच भिड़ंत होगी। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने YouTube, ट्विटर, फेसबुक और हमने की वेबसाइट jantasamachar.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमने के प्रतिबद्धता। नमस्कार।